दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। गर्मियों का मौसम हो और आइसक्रीम की फरमाइश ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज फरमाइश हुई है मैंगो आइसक्रीम की। थोड़ा सामान तो मेरे पास है, बस एक कंडेंस्ड मिल्क नहीं है, वो मुझे घर में बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम बनाते हैं अपनी मैंगो आइसक्रीम, जिसके लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सिर्फ तीन चार चीज़ें हमें चाहिए, उसमें हमारी आइसक्रीम बनके तैयार हो जाएगी। और ये मैंगो आइसक्रीम जो है वो बहुत टेस्टी बनके तैयार होती है। तो चलिए बनाते हैं अपनी मैंगो आइसक्रीम। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं हम अपनी ठंडी ठार मैंगो आइसक्रीम, जिसके लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और जो घर में बनाओ तो बहुत ही टेस्टी बनती है। इसके लिए मैंने लिया है, ये 2 कप मेरे पास है पल्प, मैंगो पल्प, और 1.5 कप मैंने ली है व्हिप्ड क्रीम, और ये 3/4 कप मैंने लिया कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क मैंने घर में बनाया है, इसलिए मुझे मालूम है इसमें मैंने कितनी चीनी डाली है। इसमें मैंने 1/2 कप चीनी डाली है। इस कंडेंस मिल्क को हम मैंगो पल्प के साथ मिक्स कर देंगे, उसके बाद इसको टेस्ट करके देख लेंगे। अगर चीनी कम लगे तो हम इसमें थोड़ी सी पिसी हुई चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। ये मैंने थोड़े से मैंगो पीसेस रख लिए हैं जो मैं बाद में आइसक्रीम में ऐड करूँगी, और ये थोड़ा सा पल्प मैंने चीनी डाल के पीसा है अलग से। इसको भी हम आइसक्रीम के बीच में लेयरिंग इसकी देंगे, जो कि बाद में खाने में जो है वो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो हम बनाना शुरू करते हैं अपनी मैंगो आइसक्रीम। क्रीम को हम ब्लेंडर की हेल्प से व्हिप कर लेंगे अच्छी तरह। बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, तो क्रीम जो है वो आसानी से थिक हो नहीं रही है, इसलिए मैंने इसके नीचे एक थाली के अंदर बर्फ़ रखी है और थोड़ा पानी डाला है। तो ठंडे बर्तन के ऊपर रख के मैं इसको व्हिप करूँगी, तो ये आसानी से जो है वो हमारी थिक हो जाएगी। जी फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी क्रीम जो है वो कितनी थिक हो गई है बीट करने के बाद। अब हम ये जितना भी हमने ये कंडेंस्ड मिल्क बनाया था 3/4 कप, इसको ऐड कर देंगे हम मैंगो पल्प के साथ, और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद ये सारा मिक्सचर उस क्रीम के साथ ऐड कर लेंगे। ये दोनों चीज़ें मिक्स करने के बाद एक बार टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा कि कहीं आपको मीठा कम तो नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंगो की स्वीटनेस भी हमेशा एक सी नहीं होती। कभी कोई आम ज़्यादा मीठा होता है, कोई थोड़ा खट्टा होता है। तो इस चीज़ की गारंटी हम बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं कि आप 1/2 कप चीनी डाल दीजिए तो बिल्कुल आपको परफेक्ट हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। हमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कभी ना कभी कम ज़्यादा करना ही पड़ता है। तो ये हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, इसको टेस्ट करके हम देख लेंगे। अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम इसमें पिसी हुई थोड़ी सी चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड कर लेंगे। मुझे चीनी थोड़ी कम लगी थी, इसलिए मैंने इसके अंदर 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी और ऐड की है, क्योंकि क्रीम हमारी जो है वो बिल्कुल स्वीटलेस है, इसलिए मीठा थोड़ा कम हो ही जाता है। तो थोड़ा सा आपको भी ऐड शायद करना पड़े, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली उसमें थोड़ा मीठा और ऐड कर लीजिएगा। बस अब हम इसको क्रीम के साथ पल्प और कंडेंस्ड मिल्क का जो मिक्सचर हमने बनाया था इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया आइसक्रीम के लिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये मैंगो के पीसेस जो हमने काट के रखे हुए थे। इनको अच्छी तरह से मिक्स करके हम डिश में जमाने के लिए ट्रांसफ़र कर देंगे, और बीच में हम लेयरिंग, पहले आइसक्रीम डालेंगे थोड़ी, बीच में हम लेयरिंग करेंगे वो जो मैंने मैंगो पल्प चीनी के साथ बना के रखा है उसकी।
आधी आइसक्रीम डालने के बाद हम ये जो हमने चीनी के साथ मैंगो पल्प बना के रखा था इसकी एक लेयरिंग कर देंगे। ये टोटली आपके टेस्ट पे डिपेंड करना आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। आप करना चाहते हैं तो करिए और नहीं करना चाहते हैं तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। इसके ऊपर से हम एक लेयर आइसक्रीम की और डाल देंगे। बस अभी आइसक्रीम हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको ढक के फ्रीज़र में 6-7 घंटे के लिए जमा देंगे और उसके बाद एंजॉय करेंगे। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। तो हमारी मैंगो आइसक्रीम बनकर होगी है रेडी। इसको मैंने रात भर के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, अब वो बिल्कुल सेट हो गई है अच्छी तरह। तो अब हम आइसक्रीम खाकर देखते हैं और बताते हैं कि कैसी बनी हमारी मैंगो आइसक्रीम। हाँ जी दोस्तों, तो ये बनकर रेडी हो गई है हमारी मैंगो आइसक्रीम। बहुत अच्छी लग रही है। बहुत क्रीमी बनी है, बहुत यम्मी लग रही है। ये मेरे पास है मैंगो क्रीम वेफर्स, इनके साथ इसको सर्व कीजिए। वेफर्स के साथ आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। तो ये तो बाय चांस मेरे पास रखे थे मैंगो फ्लेवर, आपके पास है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको वैसे ही इंजॉय कीजिए, ये बहुत अच्छी लगी। हाँ जी दोस्तों, तो ये मैंगो वेफर्स के साथ में हम ट्राई कर रहे हैं अपनी मैंगो आइसक्रीम। बहुत यम्मी बनी है। जब हम छोटे होते थे तो हमारी गली में एक आइसक्रीम वाला आता था रेडी लेकर, उसके पास वेफर्स वाले बिस्किट होते थे, हम वो बिस्किट्स के बीच में वनीला आइसक्रीम की स्टिक वाली जो आइसक्रीम होती है वो लगवा के उसका सैंडविच बनवा के वो खाते थे, वो बहुत अच्छा लगता था हमें। तब से जब भी आइसक्रीम आती है अगर हमारे पास वेफर्स होते हैं तो मैं वेफर्स के साथ आइसक्रीम ज़रूर खाती हूँ। आप भी ट्राई करके देखिएगा और बताइएगा कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।